एलजी साहब गोल्फ और फिशिंग के लिए जो रूट इस्तेमाल करते हैं वो रूट के रास्ते भी अच्छे होंगे। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कॉलिनपुर और कुर्माडेरा बीच है, हर कोई पसंद करता है। एलजी साहब को एक बार विजिट करना चाहिए। अपने फेवरेट जो इलाके हैं उन्हें छोड़कर कुछ ऐसे इलाकों का भी दौरा जो इलाके हैं, जो रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पे अच्छी अच्छी खूबसूरत बीचें हैं, वहाँ पे भी बाई रोड, ऑफकोर्स बाई रोड जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ रजिया बेगम। हमारे द्वीप समूह में रोड की क्या हालत है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या हालत है? देखिए, मैं वीडियो बनाने बैठी थी और इलेक्ट्रिसिटी चले गई, तो ये नॉर्मल है, ये हर दिन का होता है। और रात भर आज सवेरे अर्ली मॉर्निंग अगर कहे 2 बजे से करंट नहीं है, उसके बाद थोड़ी देर में 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आई, फिर उससे पहले भी चले गई थी, उसके बाद भी चले गई। आज सवेरे से थोड़ी देर इलेक्ट्रिसिटी थी, अब फिर नहीं है। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी और इलेक्ट्रिसिटी चले गई, तो ये नॉर्मल सा हो गया है। और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, पानी, रोड जो बेसिक ज़रूरत है एक आम जनता की, आम आइलैंडर्स के लोगों की, उस पे ही जो है हमें जो है सफ़र करना पड़ रहा है। अभी देखिए, जिला परिषद अध्यक्षा, साथ ही साथ मरियम बीबी अभिभूषण और जो पद्मावती है, फरारगंज की प्रमुख है, इन सब ने जो है कल मैनपुर, कॉलिनपुर और इलाके का दौरा किया और वहाँ के रोड की क्या हालत है आप बखूबी देखिए कि किस तरह से वहाँ के लोग जो है आए दिन परेशान होते होंगे। और हम सभी जानते हैं कि कॉलिनपुर कुर्माडेरा जो है एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोकल्स जो है छुट्टी के दिन वहाँ जाना अपना परिवार के साथ जो है प्रेफर करते हैं, साथ ही साथ जो है टूरिस्ट भी वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। और ये जो है बहुत ही खूबसूरत बीच है, लेकिन वहाँ बीच तक पहुँचने के लिए, वहाँ की खूबसूरती को इंजॉय करने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता कितने बुरे हाल में है, ये आप आगे देखेंगे। और आपके समक्ष ये भी रखना चाहूँगी कि लंबा लाइन एरिया के रोड का जो है फिर से रिपेयर वर्क चल रहा है। मुझे लग रहा है कि साल में हर 2 महीने में लंबा लाइन रोड का जो है रिपेयर वर्क होता ही है। और आपने भी बखूबी ये देखा होगा, हमने भी ये देखा है, आए दिन वहाँ पे रिपेयर वर्क हो रहा है, रोड ब्लॉक किया जा रहा है, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे तो फिर हर जगह पे है। और रोड जो है स्मूथ नहीं है, उबड़ खाबड़ है कई सारे इलाकों में। लेकिन आप ज़रा राजनिवास, आप आम जनता या आइलैंडर्स से मैं पूछना चाहूँगी, आप डेफिनेटली कमेंट में बताइए, और हो सके तो कमेंट में आप लिखिए कि किस किस जगह के रोड को आपने ऐसे देखा है। क्या आपने कभी जो है राजनिवास, सेक्रेटेरिएट या जो अफसरों के, जो ब्यूरोक्रेट्स के घरों के इलाके के रोड है, क्या आपने कभी ख़राब देखा है? तो हम यही जानना चाहते हैं कि इतने सालों में हमने ब्यूरोक्रेट्स के घर और राजनिवास के रोड को ख़राब होते हुए नहीं देखा, तो वहाँ किस तरह का मटेरियल का इस्तेमाल होता है? और आम जनता के लिए और दूर दराज के इलाकों के लिए साउथ अंडमान में ऐसे किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल होता है कि हर 2 महीने में, 2 महीने तो छोड़िए, आप रोड बनाइए और बारिश हो जाए तो आपको जो है विद इन अ वीक 10-15 डेज में जो है आपको उस रोड की जो है सच्चाई नजर आएगी, और वो किस हालात में है वो आपको हफ्ते भर में ही नजर आ जाता है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल जो है राजनिवास के रोड के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका इस्तेमाल जो है जो रूरल एरियाज है यहाँ पे जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक रोड है कि जो बनाने के बाद जो है बार बार बनाना पड़ रहा है, और कुछ इलाकों के रोड ऐसे हैं कि जो खराब ही नहीं हो रहा है, जो VIP एरियाज के रोड है स्पेसिफिकली। और ये अच्छा लगा कि जो जिला परिषद अध्यक्षा है और साथ ही साथ प्रमुख है और बाकी जो मेंबर्स हैं वो विजिट कर रहे थे, और उन्होंने जो है रास्ते को देखा और उन्होंने जो है वीडियो बनाया और हमारे साथ शेयर भी किया है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर इसी तरह के इनिशिएटिव्स अगर हर एरिया के प्रधान प्रमुख करने लगे, अपने अपनी एरिया के जो समस्याएँ हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो रोड की हालात है या स्कूल के हालात है या बाकी जो भी
प्रॉब्लम्स है, अगर उसे वीडियो के सहारे जो है अपलोड करने लगे, हाईलाइट करने लगे, तो आम जनता के पास कई सारे मुद्दे और कई सारे प्रॉब्लम्स जो है सामने आएंगे, और ये एक जरिया रहेगा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने का, बताने का कि देखें कि किस हाल में हमारे इलाके के रोड हैं, स्कूल्स हैं, क्योंकि हर जगह पे हमारे अफसर जाते नहीं हैं। और एलजी साहब गोल्फ और फिशिंग के लिए जो रूट इस्तेमाल करते हैं वो रूट के रास्ते भी अच्छे होंगे, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कॉलिंगपुर और कुरमाडेरा बीच है हर कोई पसंद करता है, एलजी साहब को एक बार विजिट करना चाहिए। अपने फेवरेट जो इलाके हैं उन्हें छोड़कर कुछ ऐसे इलाकों का भी दौरा जो इलाके हैं जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी खूबसूरत बीचें हैं, वहाँ पे भी बाय रोड, ऑफ कोर्स बाय रोड जाना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस हालात में है। सिर्फ राजनिवास सेक्रेटेरिएट एयरपोर्ट के रोड में अगर सफ़र करेंगे तो उनको भी नहीं मालूम चलेगा कि आखिरकार किस हालात में है। और आगे आप देखिए ये वीडियोस जो कि जिला परिषद अध्यक्षा प्रमुख और जो जिला परिषद मेंबर है और बाकी लोगों ने जो है बनाया है उस रोड का, और किस तरह से वहाँ पे आम जनता परेशान होती है अस्पताल जाने के लिए, बच्चे स्कूल जाने के लिए, जो ऑफिस जाने वाले हैं, प्राइवेट वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, हर कोई किस तरह से वहाँ पे परेशान होते हैं, आए दिन ट्रैवल करते हैं, और जो रोड के हालात हैं आप देखकर ही जान सकते हैं कि किस तरह से, और जो बीमार है स्पेसिफिकली और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी इस तरह के रोड में सफ़र करने के लिए, अस्पताल जाने के लिए। तो ये अच्छी बात हमें लगी कि इस तरह से वीडियो के थ्रू उन लोगों ने जो है इस बात को रखा है, और जल्द से जल्द PWD से जो है रिपेयर वर्क करने की जो है मांग रखी है। तो चलिए ये वीडियोस अब आगे देखिए, और आने वाले दिनों में कई और अपडेट्स के साथ, और हम उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के साथ हम बैठे हैं कि कई इलाकों के प्रधान प्रमुख मेंबर्स जो है इसी तरह के वीडियोस अपने इलाकों के लेकर आएंगे, ताकि आम जनता जान सके, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिकली जान सके कि आखिरकार हालात क्या है। तो चलिए देखते हैं, देखिए रोड का हालत कितना खराब है। कॉलिनपुर के मेन जगह है और यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है आगे में। मुझे दुख है कि इतना इम्पोर्टेंट होने के बाद भी ये रोड का जो है अभी तक खस्ता हालत है, और काफ़ी लोग यहाँ के जो रहने वाले निवासी ग्रामवासी हम लोग से मिले थे, उनका सबके ये डिमांड है कि इसको रोड को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। ये सिर्फ PWD का ड्यूटी नहीं है, हमारे IPNTP इसके ऊपर ध्यान, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रोड टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ के जो लोकल यहाँ के रेसिडेंट जो गांववासी है, जो डेली इनका आना जाना यहाँ से रहते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं, पेशेंट जाते हैं मेडिकल में, उनको क्या तकलीफ होता है, क्योंकि ये जो स्थिति है रोड का बहुत कंडीशन ख़राब है, गड्ढे इतने हैं कि रोड दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि इसको जल्दी जल्दी बनाए, ताकि यहाँ के निवासी और यहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं इनको सुविधा मिल सके। सभी को मेरा नमस्कार। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रास्ता है आप देखिए, ये कोलिनपुर और मानपुर जाने का रास्ता है। यहाँ से दो दो मेन बीचेस आता है, कोलिनपुर बीच हो गया, कुरमाडेरा बीच हो गया। आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे जो मैक्सिमम बाहर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं ये 100% कुरमाडेरा और कोलिनपुर बीच में आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब कोई टूरिस्ट बाहर से आएगा दूसरे स्टेट में, आप देखो ये रास्ता से गुजर के उनको वो बीच में जाना पड़ेगा, तो अंडमान का क्या इंप्रेशन रहेगा, क्या इसका जिम्मेदार कौन है? ये केवल अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, अकेले अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी है, और इसमें सिर्फ PWD का जिम्मेदारी नहीं है, जबकि ये टूरिज्म IPNTP का भी जिम्मेदारी है। तो दोनों डिपार्टमेंट का बीच में तालमेल है ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि, और ये पंचायत के तरफ से भी शायद, मुझे जितना पता है कि जिला परिषद के तरफ से भी इस बात को टेकअप किया गया था, और क्या इस पर कोई एक्शन हुआ नहीं। मैं दरख्वास्त यही करूंगा कि जल्द से जल्द जो ये रास्ता को रिपेयर किया जाए, ताकि आम लोग जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं, प्लस उसके साथ में जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं, सबको एक सहूलियत हो और एक अच्छा इंप्रेशन पड़े अंडमान निकोबार में। जब कोई भी आए तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कि हाँ भाई, हम घूमने आए, बढ़िया जगह गए हैं, और अच्छा अच्छा बोले हमारे। बस शुक्रिया जय। मैं पूरे साउथ अंडमान के अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ मैनपुर दौरे पर आई हूँ। आज देखिए यहाँ का रोड बहुत ही खराब हालत में है। मैंने CS को भी लेटर दिया था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है अभी तक। यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है, डायलिसिस पेशेंट जो है घर में दम तोड़ रहा है अपना। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द रोड को पूरा करने की कोशिश करें। सर आज देखिए कॉलिनपुर पंचायत में आज विजिट के लिए आए थे हम,
तो यहाँ पे इतना रोड का हालत इतना खराब है कि आगे रास्ता में बिल्कुल गाड़ी लेके तो जा ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा काफ़ी मात्र से खराब है, खराब हालत है, पूरे गड्ढे गड्ढे भरे, गड्ढे में बहुत पानी इतना भरा है, तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं जा सकता। आगे टूरिस्ट स्पॉट है, फिर भी इतना जाना जाना, व्हीकल्स आना जाना है इतना, काफ़ी बीमार इंसान अगर गाड़ी में है तो जा ही नहीं पाएंगे, इतना हालत बुरा है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही निवेदन है कि PWD इसे जल्दी टेकअप करे ये वर्क को, क्योंकि इसका कंप्लेंट काफ़ी बार पंचायत समिति में भी रिक्वेस्ट आया है कि मैडम रोड का विजिट करिए, काफ़ी हालत बुरा है, आप लोग कुछ देख के आगे के लिए आगे का रिस्पॉन्स अच्छा मतलब टेकअप करिए वर्क को लेके करके बोले। तो PWD से यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी रोड को थोड़ा डेवलपमेंट करे करके, बहुत ही बहुत बहुत बुरा हालत है रोड। धन्यवाद।